सभी प्रोड्यूसर्स को मेरा ढेर सारी बेस्ट विशेस है, शुभकामनाएं मेरी उनके साथ है, और अच्छा कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि आप लोग टाइटल सुन ही रहे हैं, फिल्म देख ही रहे हैं और प्लस हीरो देख ही रहे हैं। अब ये सर है तो कोई ख़राब फिल्म तो नहीं कर रहे होंगे, ऐसी वैसी तो फिल्म करते नहीं है। और सर के साथ काम करने के लिए एक होता है कि डायरेक्टर से जब भी फ़ोन करते हैं ना, कि पहले सवाल होता है कि कौन है हीरो, अच्छा यश जी अभी स्टोरी मत बताइए सर, हो गया हम समझ गए कि ये फिल्म चलने वाली फिल्म है कि कुछ मतलब होगा इस फिल्म का। कोई भी फिल्म सर करते हैं, मतलब मैं इनके मुंह पे नहीं बोल रही हूँ, मैं तो हमेशा सर को पहले से, जब हम नहीं काम किए थे तो भी बोलती थी कि सर इंडस्ट्री का अक्षय कुमार है, और अक्षय कुमार तो आज भी किसी से डरते नहीं हैं। हाल में कुछ काम ऐसी बातें भी हुई कि फिल्म बॉयकॉट करने की चल रही थी, तो उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली, जिसको देखना है देखें, नहीं देखना है नहीं देखें, हमारा इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ऐसे ही हैं सर भी, और फिल्म बहुत अच्छी है, सभी के टाइटल्स जैसे है ना वैसी बहुत अच्छी फिल्म है, सबका कुछ ना कुछ मतलब है, बिना मतलब की कोई भी फिल्म नहीं है। यस जी, आप क्या कहना चाहेंगे, चार फिल्मों की आपकी? चार नहीं, उसमें तीन फिल्में मेरी हैं और एक फिल्म अरविंद अकेला कल्लू की है। सबसे पहले तो भोजपुरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इन्होंने एक बात कहा कि अक्षय कुमार ने कहा कि जिसको मेरी फिल्म देखनी है देखे, जिसको फिल्म नहीं देखनी है मत देखे, वो अक्षय कुमार कह सकते हैं, मैं कहूँगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यश कुमार की फिल्म आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ हूँ तो अपने जनता जनार्दन की वजह से हूँ। हाँ, मुझे मेरी इंडस्ट्री से हटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, पर मेरे जनता जनार्दन का प्यार था, उनका आशीर्वाद था कि मैं हूँ यहाँ पर। अभी वही बोल रहे हो सर, हाँ। कि आपके पीछे तो बहुत लगे हुए हैं ना, वही वाला मेरा अभी अक्षय कुमार तो वर्सेस ऑडियंस हो गया, आपके वर्सेस में तो बहुत लोग हैं, ऐसे वाला वाला मैंने बोला कि हाँ। वर्सेस में कुछ लोग थे और हैं, और जब रहेंगे? आपके रहेंगे, चलता रहेगा। जब आपके पीछे दुश्मन खड़े हो जाएं तो समझ लीजिए कि आप तरक्की के मार्ग पर हैं। खैर, हम लोग फिल्म के उस पे आते हैं। आज हमारी तीन फिल्मों का मुहूर्त हुआ है। पहली है अघोरी। अघोरी में ये मेरे बाल हैं और ये लुक मेरा बिल्कुल नहीं है अघोरी का। अघोरी का लुक मैं एक दो दिन में जाएगा सोशल नेटवर्क पे। ये इनके ड्रीम से ये मुझे देख रही हैं कि एक बाबा को इस रूप में देख रही हैं, तो ये इतना खूबसूरत, ये अयामी जी देख सकती हैं इस सूट वूट में, बाकी फिल्म बड़ी अलग है। अघोरी एक अल्टीमेट फिल्म बन रही है। जब हम लोग कहानी पर काम कर रहे थे तो लगा कि नहीं यार फिर कुछ अलग लेकर के आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि अलग करूँ। जैसा अभी सब बोलते भी हैं कि यार ये बंदा है तो कुछ अलग करता है, तो उसी अलग के, अब ये नहीं कहूँगा कि फिर से एक बार नया, नया नहीं यार, नया तो ये जो सैटेलाइट पर रेटिंग का दौर शुरू हुआ है, ये मेरी ही फिल्म से शुरू हुआ था, बिटिया छठी माई से। उसके पहले ऐसी फिल्में नहीं बनती थी। परिवार को सिने चैनल पे लाने के लिए मजबूर हमारी कुछ फिल्मों ने किया, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मेरी फिल्म से हुआ, बिटिया छठी माई से। उसके बाद से छठी माई पे बहुत सारे लोगों ने बनाया वैसी फिल्में, पर वो रिकॉर्ड जो रेटिंग का रिकॉर्ड था वो मेरी ही फिल्म बिटिया छठी माई के पार्ट टू ने तोड़ा। तो इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को। मेरे साथ जो टीम खड़ी है वो बहुत पॉजिटिव टीम है। अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि यश जी अगर ऐसा नहीं ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता, और अगर सजेशन अच्छे होते हैं तो मैं मानता हूँ। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि भोजपुरी को एक इस फिल्म से, कुछ नहीं यार, हर दिन पढ़ते हैं कि कुछ नया लेकर आ रहा है। कुछ नया तो मैंने आज के 5 साल पहले शुरू कर दिया था, और मुझे खुशी है कि मेरी उस फिल्म के बाद ने लोगों को बदला। मैंने बेटियों के ऊपर फिल्में नहीं बनती थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब से बेटी नंबर वन बनाई, यूँ समझ लीजिए कि हर दिन बेटियों पे ही फिल्म बनती, वुमन ओरिएंटेड, हाँ ये तो हो गया। और फिर मैंने अभी मतलब इस कड़ी में चलता रहता है, इसी कड़ी में अभी हमने अचानक से एक फिल्म एज अ प्रोड्यूसर बनाई थी मैंने, लाडो। तो लाडो ने रेटिंग का वो अंबार खड़ा कर दिया जो भोजपुरी की कोई भी फिल्म इन दिनों उस रेटिंग में नहीं थी। यूँ कह लें तो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म इस समय की लाडो हुई थी। तो मेरी जो मेरा जो जंग है, मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो कंपटीशन है, वो किसी से भी नहीं है, किसी दूसरे एक्टर से नहीं है, खुद मुझसे है। तो मैंने ही अपने रेटिंग को खुद तोड़ करके, लाडो की रेटिंग को तोड़ करके अर्धनारी को खड़ा किया। अर्धनारी की रेटिंग लाडो से ऊपर आई है। अब अर्धनारी की जो रेटिंग है वो विगत कई महीनों से किसी फिल्म की है ही नहीं। तो ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए होता है। और जब आपकी अच्छी टीम मिल करके जब अच्छी फिल्म बनाती है तो आप इसी तरीके कीर्तिमान बनाते चले जाते हैं। इसी में अघोरी की शुरुआत हुई है। अघोरी के बाद मैं एक्चुअली रामा प्रसाद डायरेक्टर, निर्माता रामा प्रसाद और निर्देशक राजू जी के साथ, ये मेरी
चौथी फिल्म है। एक फिल्म हमने अर्धनारी की जो रिलीज़ हुई, उसने मतलब बम्पर हिट हुई है। इसके बाद देशभक्त परशुराम है, उसके बाद ये हम अभी अघोरी कर रहे हैं, अघोरी के बाद मैं करूँगा मृत्युदंड। तो ये दोनों फिल्में जो हैं रामा प्रसाद जी इसके निर्माता हैं, निर्देशक जो हैं अपना राजू जी हैं, और बड़ी कमाल की फिल्म बनने वाली है, कमाल के स्टार कास्ट है, खूबसूरत खूबसूरत अभिनेत्रियाँ हैं। और इसके बाद मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ शोल, अद्भुत फिल्म। उस फिल्म का लुक देखिएगा मेरा, वो फिल्म की कहानी भी मैंने लिखी है, इवन मृत्युदंड की कहानी भी मैंने लिखी है जो मैंने इनको दी है। मैं अपने लिए रखा था यश कुमार एंटरटेनमेंट के लिए, फिर मैंने कहा रामा जी अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छे निर्माता हैं, खर्चा और से ज़्यादा करते हैं, तो उनको दिया मैंने कि ये करें। और आप जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं प्रेम जी और अरविंद जी, ये दिल्ली के हैं, व्यवसायी लोग हैं, और बड़ी खूबसूरत सी एक फिल्म इन्होंने अभी हमारे साथ बनाई है। फिल्म का नाम है मिट्टी, तो मिट्टी की डबिंग किया और बड़ा मज़ेदार फिल्म बनाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों लोगों को। थैंक यू। इसी बीच में इन्होंने कहा कि यश भाई हमको एक और फिल्म बनानी है, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाइए। तो मैंने, मेरे पास एक कहानी रखी हुई थी शूल की, टाइटल इन्होंने दिया, कहानी मैंने दिया, और वो एक अद्भुत फिल्म बनने जा रही है जिस फिल्म का नाम है शूल। तो शूल में भी एकदम डिफरेंट गेटअप है मेरा, और कहानी भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तीनों फिल्में अलग अलग कहानी में आएंगी। जैसे अघोरी में मैं अघोरी बनाऊँ, मृत्युदंड में मेरे दोनों पैर नहीं, मैं थ्रू आउट व्हील चेयर पर दिखूँगा, और फुल एक्शन फिल्म है इमोशन के साथ। तो सोचिए जिस आदमी के दोनों पैर नहीं है वो एक्शन कर रहा है, तो ऐसे ही डिफरेंट हो गई। फिर शूल में एक अलग गेटअप में नजर आऊँगा, सन्यासी बन चुका हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के साथ क्या घटनाएं हुई हैं कि सन्यासी बन चुका है, किस तरीके से कमबैक करता है, तो बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बिना सवाल किए हुए मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। भैया बात है शूल की, जैसे मनोज वाजपेयी जी की एक शूल आई थी पुलिस इंस्पेक्टर जी, आपको भी यही कहना है। हाँ, तो कहीं से वो कितना टच हो गया, कितना डिफरेंट उस कहानी में, इस कहानी में ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब कनेक्शन का सी भी नहीं है उसमें। वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। उस कहानी में मनोज वाजपेयी ने वास्तव में बड़ा कमाल का काम किया था, और वो फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई, बहुत अच्छी थी। उसका जो टच था, अनुराग कश्यप की टीम के तहत आई थिंक ई निवास थे डायरेक्टर उसके, सॉरी अगर गलत हो तो, पर वो फिल्म मेरे बड़े दिल के करीब है। पर उस फिल्म का और इस फिल्म का कहीं वो नहीं, ये एक कमर्शियल एलिमेंट्स की फिल्म है, वो एक रियल टच की फिल्म थी। तो उसका पृष्ठभूमि बिहार था, इसका पृष्ठभूमि बिहार नहीं, लखनऊ के बिजनेस मैन है, बिजनेस फैमिली से रिलेट करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। सुन के लेके सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया कि शूल का एक्चुअल मीनिंग जो है हिंदी में वो चुभन है, तो इस फिल्म में जो मेन करेक्टर है उसके अंदर एक चुभन है जो किस तरीके से उससे बाहर निकलता है, उस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। पूरी तरीके से पारिवारिक फिल्म है और मनोरंजक फिल्म है। इसको थिएटर में हम लेकर के भी आने वाले हैं, तो जिसको देखकर बहुत मज़ा आएगा। पारिवारिक के साथ साथ वो एक, सिर्फ उसको पारिवारिक कहना सही नहीं रहेगा, वो एक रिवेंज है, एक पारिवारिक ड्रामा भी है, रिवेंज भी है, और पूरे परिवार के साथ फिल्म बनने वाली है। और एक 10 साल की बच्ची को प्रोटेक्ट करते हुए हीरो का जो इमोशन है वो बहुत ही कमाल का है। एक औरत जिसकी ज़िंदगी उजड़ चुकी है, समाज में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक पति, एक इंसान, एक मर्द 10 गर्लफ्रेंड रख सकता है, 4 बीवियाँ रख सकता है, तो भी कोई उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो मर्द है। लेकिन एक औरत का अगर पति ख़त्म हो जाए और उसने अगर जीवन दूसरी बार जीने की शुरुआत भी सोच भी ली, तो समाज का डर उसको किस लेवल तक लेके जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उस फिल्म में जो उस फिल्म को खास बनाता है, जिस फिल्म का नाम है शूल। एंड मतलब मैं तो अब ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये फिल्म मेरे दिल के सबसे करीब है, ये फिल्म मेरे दिल के सबसे करीब है, मैं तो हर फिल्म ही अलग अलग कर रहा हूँ, पर डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि शूल मेरी की हुई अब तक की फिल्मों में शायद वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक होगी। उसमें स्टाइल है, उसके कैरेक्टर में स्टाइल है। मैं नॉर्मली स्टाइलिश कैरेक्टर कम करता हूँ, पर वो कैरेक्टर बहुत स्टाइलिश है। वो फाइट भी करता है तो माउज़र से करता है, वो फाइट भी करता है तो वो अलग फाइट करता है, उसका कैरेक्टर बड़ा अलग है। इस फिल्म में वो जो दारू पीता है वो बड़ा अलग स्टाइल में दारू पीता है। तो बहुत कुछ है जो शूल में देखने को मिलने वाला, नया नया यश कुमार स्टाइल।